भैया जी गाड़ी। दोस्तों फाइनली द मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी आज आपके सामने खड़ी है, ग्रैंड विटारा। गाड़ी लुक्स के मामले में बिल्कुल किलिंग हो चुकी है। आप अगर इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, फ्रंट फेशिया बहुत ही कमाल दिखता है, जिसमें एक सबसे बड़ा रोल है ये हैवी सी क्रोम जो ग्रिल आप देख रहे हैं इसका। और अगर आप आते हैं यहाँ से इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी आपको गाड़ी फील होती है, और प्रॉपर जो इसकी साइड है वो आपको कुछ फील देती है, कुछ टच देती है जीप कंपस जैसा। तो सबसे पहले आज हम इस गाड़ी की प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं, ग्रैंड विटारा के बारे में, इसके इंजन ऑप्शन के बारे में, माइल्ड स्मार्ट हाइब्रिड के बारे में, गाड़ी के फीचर्स के बारे में, सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, एक्सेप्ट प्राइस, क्योंकि अभी तक मारुति ने ऑफिशियली जो है वो ग्रैंड विटारा के प्राइस अनाउंस नहीं किए हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको इसमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें आपको दो ट्रेन्स मिलेंगे, यानी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा और एक 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा। ये जो आप सामने अपने वेरिएंट देख रहे हैं, ये है इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, जो केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, और इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट फेशिया की। बहुत ही कमाल के यहाँ पर आपको डीआरएल्स देखने के लिए मिलेंगे, प्रॉपर स्लीक स्टाइल है, और ये एक आइस क्यूब टाइप की जो शेप है, जैसे हमने बलिनो में देखी थी हेडलैम्प्स के अंदर, सेम वही चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मेन हेडलैम्प का सेटअप यहाँ आपको नीचे दिया गया है, प्रोजेक्टर बेस एलईडी जो हेडलैम्प्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल जो इसके बंपर का डिजाइन है वो बहुत ही प्रीमियम सा जो टच है वो गाड़ी में ऐड करता है। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर स्केट प्लेट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ द न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवीज ग्रैंड विटारा। तो वाकई एक बिल्कुल नए लुक में, नए अवतार में आपके सामने है। सुजुकी का लोगो, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पर माउंटेड मिलेगा। ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर पियानो फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी ऊपर भी और यहाँ पर नीचे भी। बहुत हैवी हेल्दी क्रोम, जिसको मैं कहूंगा वो क्रोम यहाँ पर यूज किया गया है, और ओवरऑल जो इसका लुक है वो आपको देखने में कुछ ऐसा लगता है, काफी प्रीमियम सा जो टच है वो एक्चुअली आपको गाड़ी में फ्रंट की ओर से मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में अगर आप आएंगे तो सबसे बढ़िया चीज आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो है ये अलॉय व्हील्स। इसका साइज है 17 इंचेस का, डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर टायर साइज जो है वो 215/60R17 प्रॉपर टायर साइज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स मिलने वाली हैं, फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, और पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 210 mm के ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है, और स्केट प्लेट यहाँ पर सिर्फ नीचे रनिंग बोर्ड पर यूज की गई है, ये डोर पैनल्स के ऊपर कोई स्केट प्लेट आपको देखने के लिए फिलहाल जो है वो माउल्डिंग्स नहीं मिलती है। ओवरऑल अगर गाड़ी के लुक की आप बात करोगे तो बहुत ही प्रीमियम जो लुक है वो आपको मिलता है। गाड़ी की लेंथ है 4345, 4345 की गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है, और विड्थ है 1795 mm की, जो काफी अच्छी खासी लेंथ और विड्थ गाड़ी में आपको मिलती है। 2600 mm का व्हील बेस मिलेगा, जिसका रिजल्ट यह है कि आपको काफी बेहतरीन स्पेस जो है वो इसके कैबिन में मिल जाएगा। अब अगर ORVM की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मिलेंगे आपको टर्न इंडिकेटर्स, 360 डिग्री का साइड कैमरा जो है वो आपको मिलेगा, विंडो के ऊपर यहाँ पर आपको प्रॉपर गार्निश मिलने वाली है क्रोम फिनिशिंग के साथ, बी पिलर जो है वो आपको यहाँ पर ब्लैक आउट मिलेगा, ए पिलर अगर आप देखेंगे बॉडी कलर है ब्लैक कलर में ही आपको जो रोफेल्स हैं वो मिलेगी। मारुति ने सनरूफ की स्टार्ट करी थी ब्रेजा के साथ, और पैनारोमिक सनरूफ का स्टार्ट कर दिया है विटारा, ग्रैंड विटारा के साथ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वार्टर पैनल के ऊपर काफी बड़ा सा ग्लास एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी सी यहाँ पर ग्लॉसी सिल्वर फिनिश जो है वो देखने के लिए मिलती है, जो देखने में काफी अपीलिंग लगती है, बढ़िया लगती है। यहाँ पर आपको जो इसके विंडोज हैं ये टिंटेड ग्रीन मिलेंगे, ताकि यूवी रेज जो है वो आपकी गाड़ी को ज्यादा इफेक्ट ना करे, कैबिन ज्यादा गर्म ना हो। फ्यूल लिड यहाँ आपको मिलेगी, फ्यूल फिलर कैप, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 45 लीटर की, और यहाँ पर अगर आप ये माउंटेंस देख रहे हैं ज्यादा ओवरसाइज नहीं है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, ये जो शेप आप देख रहे हैं ठीक आपको इंस्पायर्ड लगेगी जीप कंपस जैसी गाड़ी से, और ये जो क्रीजेस हैं गाड़ी के ऊपर ये देखने में इसकी जो साइड प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा बल्की मैसिव और एक प्रॉपर जो एक एसयूवी वाला फील है वो एड ऑन करती है। पीछे आते हैं और गाड़ी पीछे से देखने में सबसे गजब की लगती है। सबसे पहले तो ग्रैंड विटारा की जो ब्रांडिंग है वो आपको बड़ी सी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये जो आप इसकी टेल लैंप्स देख रहे हैं ये कनेक्टिव टेल लैंप्स हैं, बहुत प्यारी लगती है जलती हुई। स्मार्ट हाइब्रिड की प्रॉपर बैजिंग आपको मिलेगी, ऑल ग्रिप यानी इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, और यहाँ से अगर आप इसकी अंडरबॉडी देखेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर जो सेटअप है वो सब यहाँ पर दिख जाएगा ऑल व्हील ड्राइव का। यहाँ पर अगर आप रेयर में बम्पर की बात करेंगे, टोटल आपको 4 जो इसके पार्किंग सेंसर्स है वो पीछे मिलेंगे, पीछे भी सिल्वर स्केट प्लेट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी।
रेयर व्यू कैमरा, सुजुकी का लोगो, विंडशील्ड के ऊपर रेयर में आपको वाइपर, डिफॉगर्स, वॉशर मिलेंगे, स्पॉइलर है और स्पॉइलर के ऊपर ही आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो देखने के लिए मिलेगा, और मिलेगा आपको शार्क फिन एंटीना। इस साइड अगर आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम टच गाड़ी में है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर्स है, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी, और ये रिवर्स लैंप है। अब एक बार मैं आपको जो टेल लाइट्स हैं इसकी वो जलाकर दिखाता हूँ। एक बार सर पार्किंग लाइट ऑन, ये आप देख सकते हैं कि जब गाड़ी की लाइट्स जो है वो ऑन होती हैं तो ओवरऑल वो आपको क्या लुक देती हैं। सबसे प्रीमियम टच जो है वो गाड़ी की रेयर प्रोफाइल से ही आपको मिलता है। ये साइड्स में जो है ये ग्लॉसी फिनिश है, ऊपर जो है ये थोड़ी ग्लॉसी फिनिश है, कनेक्टिंग टेल लाइट्स हैं जो देखने में बहुत ही प्रीमियम लगती हैं, और अभी तक जो इनकी गाड़ी की इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे आप क्रेटा की बात कर लीजिए या सेल्टॉस की बात करिए, निसान के किक्स, स्कोडा की कुशाक या टाइगून, उन सबसे ज्यादा बेटर और प्रीमियम जो प्रोफाइल है वो आपको ग्रैंड विटारा में मिल जाती है। अब बात आती है गाड़ी के इंटीरियर की, कि इंटीरियर में आपको जो है वो क्या कुछ मिलने वाला है। अब बात आती है दोस्तों इंटीरियर की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विक्वेस्ट सेंसर मिलेगा कीलेस एंट्री एग्जिट के लिए, और यहाँ पर अगर आप डोर ट्रिम देखेंगे तो सबसे बढ़िया चीज कलर कॉम्बिनेशन गजब का लग रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सेम वही कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको प्रॉपर गाड़ी के इंटीरियर में भी मिलने वाला है। डोर ट्रिम की बात करें तो क्रोम फिनिश में आपको डोर लीवर मिलेगा, यहाँ ऊपर ग्लॉसी सिल्वर जो है उसका फिनिश, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं सब ब्राउन कलर में जितना है सब लैदरेटेड मटेरियल है, और सॉफ्टनेस जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और होल्ड करने के लिए, नीचे एक बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट जो है वो काफी अच्छे साइज की, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सीट की अगर बात करूं तो लेदरेटेड सीट्स हैं, ब्लैक एंड ब्राउन जो है वो कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, और ये जो सीट्स हैं ये आपको मैन्युअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी हाइट के लिए। अब गाड़ी के अगर इंटीरियर की आप बात करेंगे तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते, अब अगर आप इंटीरियर में देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्चुअल में जो गाड़ी का ये सेंटर कंसोल आप देख रहे हैं ना, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्रीमियम टच है। ये जो आप साइड्स देख रहे हैं ये प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश और यहाँ पर सिल्वर ग्लॉसी फिनिश, यहाँ पर सेम वही सॉफ्ट टच मटेरियल आपको ब्राउन कलर वो देखने के लिए मिलेगा। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर ही है, और नॉर्मल जो प्लास्टिक है हार्ड प्लास्टिक उसका ही यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन एसी वेंट्स की आप सराउंडिंग में देख लीजिए, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश देखने के लिए मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करूं तो लेदर अप स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और इसमें एडजस्टमेंट आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक जो है वो दोनों एडजस्टमेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स मिलेंगे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, 9 इंच का आपको जो है इसमें स्मार्ट प्रो प्लस जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम वो मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेंगे टेलीफोनिक कंट्रोल्स, कॉल उठाना है काटना है, वॉइस कमांड से रिलेटेड 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर एक्सेंट का यूज किया गया है जो एक थोड़ा सा स्पॉटी टच में कहूंगा वो एड ऑन करता है। क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इधर अगर आप शिफ्ट होंगे तो वाइपर से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं आपके पास वो मिलने वाले हैं, ऑटो वाइपर का आपके पास ऑप्शन है, इधर आपको हेडलैम्प और ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी आपको मिलने वाला है। पुश स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वो यहाँ पर मिलेगा। ये जो आप सराउंडिंग देख रहे हैं क्रोम की रिंग, ये भी देखने में अच्छी लगती है। 360 डिग्री अगर आपने इसका कैमरे का व्यू चाहिए प्रॉपर तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट लेवलर हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इधर आपको कंट्रोल मिलेगा प्रॉपर एसी का, और यहाँ पर आपको ऑटो एसी का फीचर जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में जो इसके एसी वेंट्स हैं वो कुछ ऐसी शेप आपको दी गई है, यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश जो है वो यूज किया गया है, देखने में काफी प्रीमियम जो है वो एक्चुअल में ये चीज फील होती है। हैजार्ड लैंप का स्विच जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल अभी गाड़ी की बैटरी जो है एक्चुअल में वो डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो आप इसकी 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देख रहे हैं इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सुजुकी कनेक्ट से रिलेटेड जितने फीचर्स हैं 40+ फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्टोरेज की बात करें तो ग्लोब बॉक्स है, ये डिसेंट साइज का है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको एमरेस मिलेगा, इसमें भी प्रॉपर आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। नीचे यहाँ पर आपको थोड़ा सा कभी स्पेस मिलेगा, अपना वॉलेट वगैरह जो है वो बहुत इजीली रख सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपने स्नो मोड में डालना है तो अगर स्लिपरी सर्फेस है बर्फ वगैरह में अगर आप चला रहे हैं तो स्नो मोड, अगर आपको बहुत ही एग्रेसिव ट्रैक्शन वगैरह अपने हिसाब से गाड़ी कंट्रोल करेगी, एग्रेसिव आपको ड्राइव करना है तो स्पोर्ट्स मोड, अगर आप ऑटो में डाल देंगे
तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो डिसाइड करेगी कि कहां पर आपको ज्यादा ट्रैक्शन जो है वो जरूरत है। लॉक कर देंगे तो इसका जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है उसमें इक्वली ट्रैक्शन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ताकि आपको एक बेटर जो ग्रिप है वो मिले और गाड़ी अपना ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर दे पाए। 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स बिल्कुल आपके पास, 6-speed ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो भी रहने वाला है। साइड में अगर आप देखेंगे प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश वो आपको यहाँ पर मिलेगी, थोड़े सिल्वर एक्सेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, बट जब आप इसके टॉप 2 वेरिएंट्स के लिए जाते हैं तो ये स्पेस आपको वहां पर यूटिलाइज हो जाएगा एज अ वायरलेस चार्जर। ऊपर यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, इधर आपको यूएसबी के लिए पोर्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है उसका फीचर आप यहाँ पर ऑन या ऑफ अगर आपने करना है, ट्रैक्शन कंट्रोल उससे रिलेटेड फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर जो कंट्रोल है वो दिया गया है। ऊपर अगर आए तो वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर मिलेगा विद लाइट, यहाँ पर आपको दिया गया है। इस साइड अगर आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिलने वाला है, यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो दिया गया है, काफी अच्छी खासी विजिबिलिटी जो है वो आपको इससे मिल जाती है। कैबिन लाइट्स नॉर्मल हाइलोजन बेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी प्रॉपर आपको, काफी बड़े साइज की है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जैसे हमने MG में देखा था कुछ उस टाइप का कर्टन है, ये हार्ड नहीं है, नॉर्मल कर्टन जो है। शायद हो सकता है बहुत सारे बायर्स को ये चीज पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि अगर गर्मी ज्यादा होती है तो उसके बाद अगर ये हार्ड होता है तो थोड़ा कम आपकी गाड़ी हीट होती है, अगर ये आपका सॉफ्ट है तो धूप में खड़ी हुई गाड़ी का जो एक्चुअल में है कि ज्यादा गर्म गाड़ी आपकी इंटीरियर से हो जाती है। अच्छी चीज, ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर और लाइट दोनों जो है वो वाइजर पर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफी सही चीज है। अब यहाँ से आप देखें गाड़ी में एक्चुअली क्या है कि आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर एक्चुअल में ये जो चीज है ना आप देखिए, ये मेरे घुटने से अगर टच हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को फील हो रहा है क्वालिटी से रिलेटेड एक इशू, कि उतना ज्यादा जितनी गाड़ी डिजाइन के मामले में सुपीरियर क्वालिटी की लग रही है वो चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। फिलहाल अगर आप यहाँ पर MID की बात करेंगे क्लस्टर की, तो ये 4.2 इंचेस की आपको सेंटर में MID मिलेगी, जिसमें TPMS वगैरह से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लस्टर जो है यहाँ पर आपको एनालॉग मिलेगा, चाहे आप यहाँ पर अगर टैकोमीटर देखेंगे तो भी, स्पीडोमीटर, नीचे फ्यूल की गेज, इधर आपको कूलेंट टेम्परेचर। अभी ये रेयर में को ड्राइवर साइड का अगर डोर ओपन हुआ था तो वो सारी चीजें जो इंडिकेशन है सेफ्टी के रिलेटेड वो आपको मिलेंगी, और इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए ट्रिप वगैरह से रिलेटेड अभी भी आपके पास जो टॉगल है वो यहाँ पर ऊपर रहने वाला है। यहाँ कोई सॉफ्ट टच फिलहाल यूज नहीं किया गया, ये सब हार्ड प्लास्टिक है। ये जो आपके बॉडी पार्ट्स जिस जगह पर टच होते हैं वहीं पर, ये कलर है यहाँ पर सिर्फ, यहाँ कॉफी कलर है, यहाँ पर ब्राउन कलर है, लेकिन ये भी सॉफ्ट टच जो है वो नहीं दिया गया। नीचे स्पेस थोड़ा आपको अच्छा फील होगा, डेड पेडल जो है उसकी पोजीशनिंग काफी सही है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत आपको यहाँ पर नहीं होगी। और गाड़ी का हुड, और अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्यूल लिड को खोलने के लिए आपको जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं। अब एक बार इस सीट को एडजस्ट करता हूँ मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, फिर मैं आपको इसकी रेयर सीट में बैठ के दिखाता हूँ कि वहाँ एक्चुअल में क्या स्पेस है और कितनी कन्वीनियंट गाड़ी आपके लिए वहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज, अब अगर आप सेकंड रो की बात करेंगे तो कैबिन जो है वो आपको प्रीमियमनेस जो है वो यहाँ पर झलकती है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। डोर ट्रिम पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी, पावर विंडो का कंट्रोल, इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है, और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी, बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, प्रॉपर सॉफ्ट टच जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी के अगर आप अंदर आते हैं तो एक अच्छा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर फील होगा। सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें कप होल्डर है, दूसरा आप इसकी जो बैक रिक्लाइन है आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो काफी सही चीज है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है लंबी जर्नी में खास तौर पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नी रूम बहुत एम्पल अमाउंट में है, आप पैरों को बहुत इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफी डिसेंट सा है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। सीट्स की कुशनिंग जो है वो भी काफी अच्छी फील होगी आपको। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे। फिलहाल इस वेरिएंट में आपको यहाँ पर सेंटर पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट दी गई है, लेकिन अगर आप इसके टॉप 2 वेरिएंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सेंटर पैसेंजर के लिए भी प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वही आपको मिलेगी। AC वेंट्स आपको यहाँ पर पीछे मिलेंगे, और एक आपको USB के लिए फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और एक टाइप सी। नीचे थोड़ा सा स्पेस है, अगर यहाँ से आप अगर अपना फोन कनेक्ट करते हैं तो आप नीचे यहाँ पर भी अपना फोन जो है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सीट्स के पीछे तो मैगजीन होल्डर्स आपको दिए गए हैं, कोई डेडिकेटेड फोन जो है वो होल्डर आपको नहीं मिलेगा। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। फिलहाल कोट हुक जो है वो सिर्फ एक ही साइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पीछे जो रीडिंग लाइट्स हैं वो भी आपको हाइलोजन बेस मिलने वाली है। अब एक बार मेन बात करेंगे हम इसके बूट स्पेस की, कि बूट स्पेस कितना है, फिर मैं आपको जो इसकी मेन इंजन की बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ,
ये जो ग्लॉसी फिनिश आप इसके डोर के ऊपर देख रहे हैं ना, ये ग्लॉसी फिनिश आपको टाइम के हिसाब से शायद परेशान कर सकती है। कैसे कर सकती है वो मैं आपको इधर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब आप देखिए कि अगर मैं गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं पीछे बैठा हूँ, यहाँ मेरे अगर हाथ में वॉच है तो वो भी यहाँ पर टच होने वाली है, कोई कड़ा होगा किसी के हाथ में वो टच होने वाला है, अगर कोई रिंग पहनता है वो टच होने वाली है। तो ये ग्लॉसी फिनिश के ऊपर जो एक्चुअली में मार्क्स हैं यानी स्क्रैचेस हैं वो बहुत जल्दी जो है वो आपको विजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं जरा इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, 60-40 का स्प्लिट रेशियो आपको इसके बूट में मिलेगा। लगेज लैंप जो है वो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको यूज करने में कोई इशू जो है वो नहीं होगा। दोनों साइड में आपको कभी होल्स वो दिए गए हैं जो कि काफी अच्छे से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस साइड में हुक मिलेगी आपको, लेकिन इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं है कि आप कितने केजी तक का वेट जो है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बूट की कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 375 लीटर, मैं 100% श्योर नहीं हूँ बट अप्रोक्सीमेटली यही 375-380 के आसपास जाएगा, एज यूजुअल जैसे हमारे को क्रेटा सेल्टोस में मिलता है उसी टाइप से। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्टील व्हील है, लेकिन यहाँ पर साइज जो है वो 17 इंच का ही है, यानी आपको साइज जो है वो छोटा नहीं मिलेगा। ये माइल्ड हाइब्रिड है, अगर आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जाएंगे तो वहां पर आपको बूट स्पेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसका बैटरी पैक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको क्लोज करते हैं और एज यूजुअल जैसे हम मैंने आपको बताया, गाड़ी का प्यारा लुक होता है वो एक्चुअली इसके रियर प्रोफाइल से ही आता है। अब बात करते हैं जरा एक बार इसके इंजन ऑप्शन। अब बात आती है दोस्तों इसके इंजन ऑप्शन की। अगर आप यहां पर बात करते हैं ग्रैंड विटारा के इंजन ऑप्शन की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपके पास दो इंजन ऑप्शन है, यानी ये इसका माइल्ड हाइब्रिड है तो आपको मिलेगा 1.5 फोर सिलेंडर इंजन जो जनरेट करता है 103 bhp की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये ऑल ग्रिप है, सबसे कम फ्यूल इकोनॉमी आपको ऑल ग्रिप में मिलेगी, लगभग 19.5 के आसपास मारुति क्लेम करती है। बट अगर आप मैनुअल के लिए जाते हैं जो कि आपका टू व्हील ड्राइव होगा तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी डेफिनेटली मिलने वाली है। अब यहां पर अगर आप प्लेसमेंट्स देखेंगे, सबसे पहले ये आगे आपको प्रॉपर जो है वो अंडरबॉडी कवर देखने के लिए मिलेगा, यहां पर काफी नीट पोजीशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप जाते हैं इसके 1.5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए तो उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन जो है वो मिलेगा और उसमें आपके पास ECVT का जो ऑप्शन है वो भी रहने वाला है। हुड पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो यहाँ पर नीटली यूज किए गए हैं, प्रोपोर्शंस बहुत ही ऑर्गेनाइज जो है वो आपको यहाँ पर फील होने वाले हैं। फिलहाल एक बार इसके हुड को मैं क्लोज करता हूँ, फिर आपको और आगे की बात बताता हूँ। तो ये थी दोस्तों ग्रैंड विटारा। जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी डायमेंशंस के मामले में बहुत ही गजब की है। व्हील बेस मैंने जैसे आपको बताया था कि 2600 mm का है, यानी क्रेटा से 10 mm कम रहने वाला है। लेंथ जो है इसकी वो क्रेटा से ज्यादा है, सेल्टॉस से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 20 mm जो है वो इसकी लेंथ आपको जो है वो ज्यादा मिलने वाली है। कैबिन स्पेशियस है, उससे रिलेटेड फिलहाल आपको कोई ऐसा इश्यूज नहीं आने वाले। और जो उसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसके साथ मारुति क्लेम करती है approximately 27.93 kmpl की माइलेज, जो कि बहुत ही सुपीरियर माइलेज मैं कहूंगा कि वो है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि अगर आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए जाते हैं तो उसमें आपको डेडिकेटेड ईवी मोड मिल जाता है। सेंटर कंसोल में आपको एक बटन मिलेगा जिससे आप सिर्फ, अगर आपका ड्राइविंग पैटर्न नॉर्मल है और आपकी गाड़ी की अगर बैटरी जो है वो अच्छे से चार्ज है तो आपकी गाड़ी सिर्फ ईवी मोड में भी मूव करती रहेगी, वो काफी सही चीज है। मैक्सिमम 50-60% आपकी गाड़ी जो है वो बैटरी पर रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक मोड पर रहेगी, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अच्छा है और प्योर ईवी से ज्यादा कन्वीनियंट मुझे फील होता है इंडियन रोड कंडीशंस और इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से। तो ये थी ग्रैंड विटारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना गाड़ी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जनरल मोटर्स। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।